चलिए देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखे, पास्ट परफेक्ट सीख लिए, आज नंबर किसका है लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की होंगी, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान लिखिएगा, पहचान हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ चलना चाहिए सर, समय के साथ रहा होगा रही होगी रहे होंगे, रहा होगा रही होगी रही होगी रहे होंगे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब VERB, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। कुछ ना लिखा इसमें आपको दो प्रकार की सहायक क्रिया मिलेंगी, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसमें आपको दो प्रकार की सहायक क्रिया मिलेंगी, क्या होती है सहायक क्रिया बताइए। हाँ विल हैव बीन शैल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन, विल हैव बीन आई और बी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। इसका जो है आई और बी के साथ प्रयोग करेंगे, इसका आई और आई बी के साथ सेल, आई बी के साथ सेल, और यहां आई बी को छोड़कर, आई बी को छोड़कर सभी के साथ आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल बी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदि शब्द आता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, दो प्रकार की सहायक क्रिया मिलेंगी, एक मिलेगा विल हैव बीन, एक मिलेगा शैल हैव बीन। विल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ, आई वी के साथ नहीं करते हैं, बाकी सबके साथ, और शैल बीन का प्रयोग आई और वी के साथ, आई और बी के साथ सेल भी, और आई बी को छोड़कर जितने भी आपको मिलेंगे सबके साथ आप विल भी लगा दीजिएगा, ठीक। इतने है इसमें नियम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, सिंस अथवा फार लास्ट में लिखते हैं, सिंस आपका निश्चित समय के लिए लगेगा, फार आपका अनिश्चित समय के लिए लगेगा। जल्दी नोट कीजिए, हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, हेडिंग बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। हाँ साधारण वाक्य, बस टेस्ट हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस
ठीक लिखिएगा चाहिए सर, जल्दी कीजिए भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई बी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, यस ई एन टी ई एन सी ई। वह 2 बजे से बाग में खेल रही थी होगी, वह 2 बजे से, 2 बजे से बाग में खेल रही होगी, खेल रही होगी, वह 2 बजे से बाग में खेल रही होगी, वह 2 बजे से बाग में खेल रही होगी। बनाइए इसको, प्रेस कर दे पूरा। वह 2 बजे से बाग में खेल रही होगी, पहले वाक्य पढ़िए। वह 2 बजे से बाग में खेल रही होगी, यहाँ समय आ गया है 2 बजे से, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस या पार कौन सा लगेगा, सिंस, सी नहीं सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस। वह 2 बजे से बाग में खेल रही होगी, मतलब लड़की कोई है, तो लड़की के लिए क्या लगता है, सी, लड़का होता तो ही लगता ना, लड़की है तो सी, सी लगा दी आप, सी। हैज लगेगा, हैव लगेगा, सी सी हैव, लेकिन यहाँ पर विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है, सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, नहीं नहीं है, नॉट मत लगाइए आप। खेलना क्या होता है, प्ले, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग, कहाँ खेल रही है, बाग में, इन द गार्डन, प्लेइंग इन द गार्डन, जी ए आर डी ई एन, प्लेइंग इन द गार्डन, कब से खेल रही है, 2 बजे से, सिंस, एस आई एन सी, सिंस 2 o'clock, सी एल ओ सी के, सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से बाग में खेल रही होगी, है नहीं, है आएगा तो यह प्रेजेंट हो जाएगा। She will have been playing in the garden since 2 o'clock. हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो क्या है लास्ट में, क्लास सी एल ओ सी के, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, बनाइए इसको। हम की स्पेलिंग क्या लगेगी, वी, वी के साथ विल हैव लगाएंगे, सेल हैव, सेल हैव, तो वी सेल हैव बीन, पढ़ना का स्पेलिंग होता है रीडिंग, और पढ़ाना का होता है टीचिंग, पढ़ना का रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज की स्पेलिंग किसको याद है, किसी को नहीं, वो सी ओ डबल एल ई जी ई, इन दिस कॉलेज, 3 साल से, अब पता नहीं कौन सा 3 साल, फॉर
एफ ओ आर फॉर थ्री इयर्स, टी एच आर डबल ई थ्री ईयर, वाई ई ए आर, यस फॉर थ्री इयर्स। हम तीन साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। We shall have been reading in this college for three years। हम तीन साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। लड़के चार बजे से इस तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के चार बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। करें अंग्रेजी है ठीक ना। अगला लिखिएगा, लड़के चार बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के चार बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के चार बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के चार बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे। लड़के हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, क्या लगेगा? विल हैव बीन। देखिएगा लड़के की स्पेलिंग क्या होती है, द बॉयज, द बॉयज, बी ओ वाई एस, यस क्यों ना, क्योंकि लड़के ढेर सारे हैं। लड़के द बॉयज विल हैव बीन, द बॉयज विल हैव बीन। तैरना का स्पेलिंग होता है स्विम, अरे हाउ डू यू स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना, यस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरना। कहाँ तैर रहे होंगे, तालाब में, इन द पाउंड या इन द टैंक, इन द In the pound, B O U N D, pound मतलब तालाब। कितने बजे से, चार बजे से, since, S I N C E, since, four o'clock, C L O C K, since 4 o'clock, समझ में आया नहीं आया? लड़की की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इधर देखिए, the boys will have been, तैरने का स्विमिंग मतलब तैरना स्विमिंग हो गया, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, कहाँ तक तैर रहे हैं, तालाब में या नदी में होता तो इन द रिवर हो गया, यहाँ तालाब है इन द पाउंड, तालाब में, सेंस एस आई एन सी ई, सेंस 4 o'clock। क्लियर हो गया? नेगेटिव बनाते हैं अब, अपरमेटिव हो गया ना। नेगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई वी ई, नेगेटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी ई, नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी हिंदी क्या होगी, नकारात्मक वाक। यहाँ पर विल हैव बीन जो आ रहा है, या विल Have not been, shall have not been, will not have been, shall not have been। लिखिए, वह दो वर्ष से इस कॉलेज वह दो वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। वह दो वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। वह दो वर्ष से कठिन
परिश्रम नहीं कर रही होगी। वह दो वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। वह दो वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। मनाइएगा सी, लड़की है सी, विल नॉट हैव बीन। यहाँ तक समझ में नहीं आया? सी विल है वर्किंग, हाँ वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड करना काम, वर्किंग हार्ड, W O R K I N G, वर्किंग हार्ड, H A R D, वर्किंग हार्ड, दो वर्ष से, पता नहीं कौन दो वर्ष, फॉर टू ईयर्स, फॉर टू ईयर, Y E A R S, she will not have been working hard for 2 years. तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। डिस्कर इसको, तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तुम्हें आना तो कमिंग होगा ना यार, सफरिंग होगा, सफरिंग बुखार आने को सफरिंग कहते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर ना लिखाए थे इसे में। तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। चाहे तुम हो, चाहे तुम्हें हो, चाहे तुम्हारा, उसकी स्पेलिंग यू होती है, यू विल नॉट हैव बीन ना, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग, यू विल हैव नॉट बीन, हाँ यू विल नॉट हैव बीन, you will not have been, shall have, shall not have been, will not have been, na you will not have been। ab bukhar aana kya bolte hai, suffering, likhiyega spelling, suffering, suffering, yes u double f e r i n g, suffering from fever, from fever, kya far ho yahan, from fever, from fever, F E V E R, from fever for 2 days, for 2 days, तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। You will not have been suffering from fever for 2 days. Clear? Fever मतलब क्या होता है, बुखार आना ना, fever मतलब बुखार आना। राहुल 1 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। एक बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। ये वाला हो गया है, मिटाए, ठीक, बोलते भी नहीं तुम, हो गया। राहुल 1 बजे से, इंग्लिश लिखें,
पत्र नहीं नहीं लिख रहा। राहुल 1 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो राहुल की स्पेलिंग क्या होगी? राहुल ही R A H U L राहुल will नहीं will not have been have been राहुल will not have been। अब देखो भाई लिखना क्या होता है, राइट राइट मतलब लिखना, यहाँ पर आई एन जी राइटिंग W-R-I-T-I-N-G, writing a letter, L-A-L-E-T-E-R, letter, writing a letter। अब भाई देखिए 1 बजे से मतलब क्लियर है ना, since 1 o'clock, C-L-O-C-C। Since 1 o'clock, 1 बजे से क्लियर है मिनाली? राहुल 1 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। जहां ना समझ में आ रोहित पूछिए, जहाँ समय में पूछ लीजिएगा। अभी अगर बचा है कौन सा इंट्रोगेटिव ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट बचा हुआ है आपका, अब उसी के नंबर ही है इसी के बाद। इसमें कब कहाँ क्यों कैसे अगर आ जाए उसको समाज से बाहर कर देना पहले, किसकी स्पेलिंग ले दीजिएगा। समाज से बाहर, तुम कहाँ आ गए भाई, यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है, तुम आ गए वीडियो वाला हुआ था ना, चलिए बात नहीं समझी के वाला, बस शांति लाइए। लिखिएगा क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, सुबह से करते रहेंगे, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, क्या हम उसका इंतजार इंतजार सुबह से करते रहेंगे, सुबह से करते रहेंगे, करते रहेंगे। यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो रॉन्ग कर देगा। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, चलिए वी के साथ क्या लगता है, सेल, यहाँ सेल लगा दीजिए पहले, सेल वी है बीन। इंतजार करना क्या होता है, वेट, W-A-I-T, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, S-I-N-C-E, सिंस मॉर्निंग, M-O-R-N-I-N-G, सिंस मॉर्निंग। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, सात से ज्यादा, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, हो गया जल्दी लिखिए भाई, रुक जाइए सर, वे हैव बीन, शैल हैव बीन लगता है, सहायक क्रिया ध्यान में रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग,
सब कुछ रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं इसको। सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट लिखिए क्या है। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो लगा दीजिएगा। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। कहाँ कब क्यों पहले बीच दिखे तो बाहर रहती। वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर विल वेयर विल द बॉयज वेयर विल द बॉयज वेयर विल द बॉयज बॉयज have been playing playing 2 बजे से है ना। since 2 o'clock playing since 2 o'clock clock question mark क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे। जाए सिंस 2 o'clock 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। क्वेश्चन मार्क क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल क्या क्या आया तो विल शुरू करेंगे। विल यू नॉट हैव बीन पढ़ना क्या होता है रीडिंग। रीडिंग आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग फॉर 2 days फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। देखिएगा क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। इसमें नहीं भी आ गया तो क्या से वाक्य शुरुआत सहायक क्रिया शुरू कर दिए। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आज जो है टेंथ की 12वीं टेंथ की क्लास समाप्त हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बराबर टेंस समाप्त। अब आगे एक्टिव पैसिव चलेगा।